कोरोना की वजह से इंडिया में किस दिन का लॉकडाउन चल रहा है, लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। ठीक इसी समय सीन में आता है एक शख्स जिसका नाम है फैजल शेख। इंस्टाग्राम पर इस शख्स को 1 करोड़ से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। इनका मुख्य काम है टिकटॉक पर वीडियोस बनाना। ऐसे ही एक टिकटॉक वीडियो के चक्कर में फैजल के खिलाफ पुलिस कंप्लेन हो गई है। वायरस इन्फेक्शन से बचने के लिए जब लोग घरों में बंद हैं तब फैजल शेख डेयरिंग दिखा रहे हैं। टिकटॉक के माध्यम से इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये लॉकडाउन की अवहेलना करके सड़क पर निकलते दिखे जा सकते हैं और अपने इस कदम को ये फिल्म किक में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के डायलॉग में मौत को छूकर टक से वापस आ सकता हूँ से कवर कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इनके फैंस भी सड़क पर निकलकर वीडियो बना रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिन फैजल शेख से यह उम्मीद की जाती है कि वो लोगों को सही चीज़ें करने के लिए मोटिवेट करेंगे, वो ऐसी फर्जी और बेवकूफ़ी भरी हरकतें कर रहे हैं। इस चीज़ की शिकायत कई लोगों ने सोशल मीडिया पर की। उनकी शिकायत पर अमल करते हुए खुद को स्वयं सेविका बताने वाली सुनैना होले ने फैजल शेख उर्फ मिस्टर फैजू के खिलाफ मुंबई पुलिस में FIR दर्ज करवा दी। उन्होंने अपने इस ऑनलाइन FIR का स्क्रीनशॉट लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। यहाँ देखिए सुनैना का वो ट्वीट। हालांकि यह पहली बार नहीं जब फैजल किसी पुलिसिया मसले में फंसे हो। 18 जून को झारखंड में तबरेज अंसारी नाम के एक 22 साल के लड़के को भीड़ ने चोरी के आरोप में पकड़ा और उसे जय श्री राम जैसे नारे लगाने को कहा। जब उसने ऐसा करने से मना किया तो भीड़ ने उसे मारना शुरू कर दिया। इस घटना के 4 दिन बाद तबरेज की मौत हो गई। इस लिंचिंग के विरोध में फैजल ने अपने 5 साथियों के साथ एक टिकटॉक वीडियो बनाया। इस वीडियो में इन्होंने कहा था कि बेगुनाह तबरेज की हत्या के बाद अगर उनका बेटा बड़ा होकर बदला लेगा तो मुस्लिमों को आतंकवादी ना कहा जाए। इनके समर्थन में एक्टर एजाज खान भी उतर आए। इसके बाद फैजल के इस वीडियो को टिकटॉक से हटाकर उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया था। लड़कों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई और एजाज खान को सांप्रदायिकता फैलाने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।